मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना पूजन कराने को लेकर दो पंडा आपस में भिड़ गए और दोनों हाथापाई करते वक्त एक महिला श्रद्धालु के ऊपर जा गिरे, जिससे वह चोटिल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये बुजुर्ग महिला घायल अवस्था में मथुरा के जिला अस्पताल में अपना इलाज कराती नजर आ रही है। जहां मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात साहू के रहने वाले एक परिवार मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे, तभी बुधवार की सुबह यमुना जी के विश्राम घाट पर यमुना पूजन के लिए गए। तभी पंडा पुरोहित समाज के दो गुट चढ़ावा एवं पूजन को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके चलते हुए ये लड़ते लड़ते पूजा कर रही महिला के ऊपर गिर गए। जैसे तैसे वहां और लोगों ने झगड़े को शांत कराया, परंतु पूजा कर रही महिला इस झगड़े में घायल हो गई, जिसे परिजनों ने मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस विषय में घायल महिला के परिजनों ने जानकारी देते हुए ये बताया। वो दो पंडित जी लोग है, इसके आपस में झगड़ रहे थे। क्यों झगड़ रहे थे? वो इसका कुछ पूजा पाठ के लिए, पूजा के पाठ के लिए, पैसे के लिए। किस जगह का मामला है ये? विश्राम घाट का। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो इसको जो झगड़ते झगड़ते वो बैठ रही थी, पूजा कर रही थी, वो भगवान की पूजा कर बोल रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वो दो पंडित झगड़ते झगड़ते इसके ऊपर आकर गिर गए। पंडित जी लड़ रहे थे ना, वो गिर इसके ऊपर गिर गए और इसकी हड्डी टूट गई। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? सानंद से। अहमदाबाद के सानंद से, गुजरात। आप यहाँ कहाँ पूजा कर रहे थे? विश्राम घाट पे। गंगा किनारे पड़ा, चौथा पगे बैठे, ऊपर पड़ा।